दुनिया भर में अब तक हजारों लोगों की जान ले चुका कोरोना वायरस अब भारत में भी तेजी से फैल रहा है। देश में अब तक कुल 115 से ज्यादा लोगों में इस वायरस की पुष्टि पाई गई है। वहीं अब तक इससे 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं अब तक यूपी के कई इलाकों में कोरोना के संदिग्ध पाए गए हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन भी किसी तरह की लापरवाही नहीं छोड़ना चाहता। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी के अस्पतालों से अब तक करीब 700 डॉक्टर लापता है। सरकार इन डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है, क्योंकि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सरकार चिकित्सा विभाग में कोई लापरवाही नहीं देखना चाहती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जिलों में तैनात 700 से ज्यादा डॉक्टर बगैर किसी सूचना के काफी समय से नौकरी से गायब है। डॉक्टरों पर सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक अगले 1 महीने में इन गायब डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। खबरों की माने तो ये डॉक्टर या तो दूसरी जगह नौकरी करने लगे हैं या फिर आगे की पढ़ाई के लिए बगैर बताए गायब हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने अब इन गायब डॉक्टरों पर सख्ती बरतने का फैसला किया है, जिससे सरकार की भी सहमति मिल गई है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.